इटावा में आज सुबह लगभग 3 बजे थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा महिबा के पास 4 स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर कार को लूट लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। लूट की सूचना के संबंध में कंट्रोल रूम से प्रसारित सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कचौरा घाट रोड पर पुलिस एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई। पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया और उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे। मृतक बदमाश की शिनाख्त प्रवीण उर्फ बवन दुबे के रूप में हुई है, जो विकास दुबे का साथी है, जिसका संबंध कानपुर की घटना से है और जनपद कानपुर से 50,000 का इनामी बदमाश है। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, एक दुनारी बंदूक और 12 बोर एवं पर्याप्त मात्रा में कारतूस मौके से बरामद किए गए हैं। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु अन्य जनपदों को सूचित कर दिया गया है। पूरा न्यूज़ देखिए, आज एसएसपी इटावा इनको सूचना रात्रि के समय में यहाँ पर एक लूट की घटना बकेवर थाना क्षेत्र में हुई है, तो तत्काल पूरे जिले में यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उसी चेकिंग के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र जनपद इटावा में थाना प्रभारी सिविल लाइन और यहाँ की जो एसओजी टीम थी उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक TBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे बिट्टू गांव थाना नगर इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। समझ में नहीं आ रही। और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी, इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस एनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया। सर कितने लोग फरार हुए हैं इसमें? 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं, उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर SSP इटावा के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे। सर किस तरीके का जेल से फरार किया है? विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर कर दिया है, तो क्या माना है? मतलब उसने ये अपने प्राइवेट तरीके से खुद ही जाके वहाँ पर पर्ची कटवाई है उज्जैन महाकाल मंदिर में और अपनी शिनाख्त करवाई है, वहाँ की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। देखिए, जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था और इसके गैंग के 5 अपराधी आज सुबह तक मार गिराए गए हैं और कई अन्य अपराधी जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। इसको हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि जो है यहाँ पर आ जाए, कानपुर पुलिस को सरेंडर कर दें। अभी हमको उज्जैन से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि जितने वहाँ पर सरेंडर किए, तो अब हम इसका पुलिस रिमांड बनवाएंगे और इसको अपने मुकदमे में इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे और सजा दिलवाएंगे। इटावा पुलिस की भी एक बड़ी कामयाबी है सर, इस पर भी कोई रिवार्ड दिया जाएगा यहाँ की पुलिस को? बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पर इटावा पुलिस ने किया है। एक बहुत ही शातिर अपराधी जिसके पीछे हमारी कई टीमें रूप से लगी थी, जिसको कानपुर पुलिस ने मार गिराया, इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 50,000 रुपये का रिवार्ड अलग से दिया जाएगा और 50,000 का रिवार्ड ऑलरेडी इस अपराधी के ऊपर घोषित था। इस प्रकार 1,00,000 रुपये का रिवार्ड इस साहसिक कार्य के लिए SSP इटावा और की टीम को दिया जाएगा। साथ ही जांच कंप्लीट होने के बाद सभी जो भी इस घटनाक्रम में सम्मिलित रहे हैं, लोग साहसिक कार्य में सम्मिलित रहे हैं, उनके लिए गारंटी मेडल के लिए हम अपने कंप्लीशन देंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सुबह 3 बजे पर थाना बकेवर से अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को लूट कर भाग रहा था। उसको जब इंटरसेप्ट किया गया थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कचौरा रोड पर,
तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई और अस्पताल में उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है। और उसके पास से एक पिस्टल और एक DBBL गन भी बरामद हुई है। आइडेंटिफिकेशन इसका कानपुर पुलिस द्वारा बाद में किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम बउआ दुबे है और ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे का साथी था, उस घटना में इन्वॉल्व था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था।